तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की नई अपडेट बताने वाला हूँ, जो कि है सैमसंग क्लॉक ऐप के अंदर। बहुत ही शानदार ये अपडेट आया और बहुत सारे नए नए फीचर एड ऑन कर दिए गए। फिलहाल ये वाला जो अपडेट आया है बहुत ही कमाल का और बहुत ही कम हैंडसेट्स पे आया है, मतलब कि जो लेटेस्ट हैंडसेट्स पे उसमें नहीं आया, ओल्ड वाले फोन्स पे ही आया है। तो क्या ये अपडेट है, क्या क्या नए चेंजेस, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के नए अपडेट बारे बताने बता रहा हूँ, जिसके अंदर नए नए फीचर्स एड ऑन किए गए। तो उसके लिए सबसे जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गुड लक वाली ऐप में। सबसे पहले आपको चले जाना है अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको क्लॉक के अंदर एक नया अपडेट आपको अवेलेबल दिख रहा होगा, जो कि अभी रिसेंटली ही अवेलेबल है। नीचे की तरफ आएंगे आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 26 फरवरी, मतलब दो दिन पहले ही इसको रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 32.62 MB का। अब यहां पर बात करें, यहां पर बहुत सारे नए नए फीचर एड ऑन किए गए। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। सबसे पहला फीचर एड ऑन किया गया है प्रोवाइड अ फीचर टू चेंज द अलार्म बैकग्राउंड। तो आप अलार्म का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा है। उसके बाद प्रोवाइड अ फीचर टू एडजस्ट द वाइब्रेशन इंटेंसिटी फॉर ईच अलार्म। आप हर अलार्म के लिए वाइब्रेशन की सेंसिटिविटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत कम मोबाइल भी सपोर्ट करेगा, हो सकता है आपके मोबाइल भी सपोर्ट ना करे, हो सकता है मेरे पे भी सपोर्ट ना करे। उसके बाद आपको मिला है सनसाइड और सनराइज का आपको टाइम मिल जाएगा, डायरेक्टली वर्ल्ड क्लॉक में डायरेक्टली देख सकते हैं, तो ये भी बहुत शानदार है। उसके बाद आपको दिया है चेंज द टाइमर सो कैन डिस्प्ले। जब आप टाइमर लगाते हैं ना, तो उसका जो डिस्प्ले होता है वो थोड़ा अलग कर दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद दिया गया सिलेक्टेड अलार्म रिंगिंग कंडीशन टू रूटीन। तो रूटीन के अंदर आपको एक और अलार्म रिंगिंग का एक अलग से दे दिया गया है। तो अब इसको पहले तो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। और मान लो मुझे अलार्म लगाना है तो मैं अलार्म के अंदर जाऊंगा, अलार्म को यहाँ पर सेट आउट करना है। मान लो मुझे कोई नया अलार्म लगाना है तो नए अलार्म पे गया। नए अलार्म पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अलार्म बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं आता था। अब यहाँ पर आप इसको अलाउ कर देंगे। अगर आप इसको अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे बैकग्राउंड एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे बैकग्राउंड्स में तो आपको सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, अपनी गैलरी से भी लगा सकते हैं। इतने सारे फीचर्स वाले दिए, आप कहीं के भी यहाँ पर बैकग्राउंड को सेट आउट करना कर सकते हैं। जो भी आपको सेट आउट करना है उस पर क्लिक कर दो और वहाँ डन पे क्लिक कर दो तो वो आपका बैकग्राउंड वहाँ पर सेट आउट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला फीचर ये दिया गया है। उसके बाद बात करें सेकंड फीचर्स की, जो कि बहुत ही कमाल का है, वो है वहाँ पर वर्ल्ड क्लॉक को लेके। अब आप वर्ल्ड क्लॉक के अंदर सनराइज का ऑप्शन देख सकते हैं, जो कि पहले नहीं आता। जैसा कि मैं प्लस पे जाऊंगा, प्लस पे जाने के बाद मान लो मैं किसी भी कंट्री पे गया तो वहां पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर सनसेट और सनराइजेस का आपको टाइम दिख रहा है, जो कि पहले नहीं आता था, अब यहाँ पर आपको एड ऑन कर दिया गया है। उसके बाद बात करें थर्ड फीचर की, वो भी बहुत शानदार है, वो है टाइमर को लेके। अगर आप यहाँ पर टाइमर पे जाएंगे, टाइमर पे जाने के बाद अगर आपने कोई टाइमर सेट कराया और जैसे ही आप स्क्रीन को बाहर करेंगे तो अब वो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो एक ऐसे ऐसा पॉपअप दिखता था, पहले वो ऐसा पॉपअप दिखता था, अब उसको और मिनिमाइज कर दिया है ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो थर्ड चेंजेस ये दिया गया है। उसके बाद बात करें फोर्थ फीचर्स की, वो उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के यहाँ पर रूटीन्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो आपको यहाँ मोड्स एंड रूटीन्स पे चले आना है। मोड्स एंड रूटीन्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है प्लस पे। प्लस पे जाने के बाद आपको ऐड कंडीशन में जाना है। अब ऐड कंडीशन में जाने के बाद, ऐड में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट अलार्म रिंगिंग वाला, आपको यहाँ पर ये चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद अपने अलार्म को चूज करना है और यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जब अलार्म रिंग हो तो मेरा मोबाइल साउंड से अनसाउंड पे आ जाए, जैसे साउंड मोड से वाइब्रेट से मेरा साउंड पे आ जाए, तो आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। तो यही कुछ नए फीचर्स है जो कि मैंने आपको अभी बता दिए, यही नए फीचर एड ऑन किए गए हैं इसके अंदर क्लॉक के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।